शील चौराहे से आगे हुई दुर्घटना में पति पत्नी की हुई मौत। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार सुबह 9 से 10 के बीच शील चौराहे से आगे रॉयल क्लासिक इन जो होटल है उसके सामने एक्टिवा पर सवार एक पति पत्नी की मौत हुई है। ये दोनों पति पत्नी की शिनाख्त जो है हुजैफा खान और सबा खान के तौर पर हुई है। ये दोनों अमृतनगर स्थित खड़ी मशीन रोड के बीच में जो अमन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, अमन कॉम्प्लेक्स में रहने वाले हैं। इनके 3 बच्चे हैं। इस दुर्घटना ने इन तीनों बच्चों के सर से अपने माता पिता का साया छीन लिया है। वहीं ये दुर्घटना होने का कारण है शील चौराहा, उससे कल्याण फाटा जाने वाली जो सड़क, इस पर बने हुए गड्ढे। इन गड्ढों पर एक्टिवा पर बैठ करके, स्कूटी पर बैठ करके जाने वाले हुजैफा खान और उनकी पत्नी गड्ढे में गाड़ी का संतुलन गंवाने के कारण गिर पड़े और उसी दौरान पीछे से आने वाले एक 6-पहिया ट्रेलर ने उन्हें रौंद दिया। दोनों की प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं शील चौराहे पर ही नसरू शेख उर्फ नसरू भाई टेम्पो वाले करके, जो एक समाज कार्य भी करते हैं वहाँ पर, उन्हें इस दुर्घटना की खबर मिली। उन्होंने फौरन दोनों को जो है लाशों को अस्पताल पहुँचाया कालसेकर, उसके बाद इनको कलवा शिवाजी महाराज अस्पताल में पहुँचाया गया। वहीं ट्रेलर चालक पहले फरार हो गया था, बाद में शील डाइगर पुलिस स्टेशन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कौन है हुजैफा खान, हम आपको बता रहे हैं। उनकी तस्वीर, उनका आधार कार्ड और दुर्घटना की एक तस्वीर बता रहे हैं कैसे सबा खान की लाश जो है वो ट्रेलर के नीचे पड़ी हुई है। रविवार सुबह 9 से 10 के बीच शील चौराहे के आगे हुई दुर्घटना में पति पत्नी की मौत की जानकारी देने वाली ये थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।